हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आए स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उमेश शाह और आज की क्लास हम लोग की बोर्ड एंड स्ट्रीम पे होने वाली है। और बोर्ड एंड स्ट्रीम के पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि बोर्ड एंड स्ट्रीम पूरा का पूरा सापेक्षिक चाल पे ही डिपेंड करता है। और आपको टाइम एक्सपेक्टेशंस पढ़ चुके हो, रेलगाड़ी पढ़ चुके हो, तो बोर्ड एंड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम बोर्ड एंड स्ट्रीम होती है। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम जो होती है बोर्ड एंड स्ट्रीम होती है, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर वो समझ नहीं पाता है। तो मैंने पहली क्लास में पूरा का पूरा बेसिक बताया था कि बोर्ड एंड स्ट्रीम का बस एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है सापेक्षिक चाल। और सापेक्षिक चाल पर हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अपने फीस स्ट्रक्चर के बारे में, अपने क्लास के बारे में, अपने कोर्सेज के बारे में। 2 मिनट का टाइम से 2 मिनट में बात करेंगे। जो बच्चा नया होगा इस हमारे चैनल पर, हो सकता है कि वो नहीं जानता होगा, वो जुड़ सकता है। देखो, जो नई वैकेंसी हमारे पास है पीईटी की, ये पीईटी वाली नई वैकेंसी हमारे पास है। आप सोचो पीईटी क्या है भाई? अब पीईटी पास करोगे तो यूपीटी प्लस सी के एग्जाम को आप दे सकते हो, जैसे आईबीपीएस पहले कराता था। जितने बैंक के बैंकिंग सेक्टर के बैंकिंग फील्ड के जितने भी एग्जाम थे आईबीपीएस के थ्रू होते थे। अब यूपीटी प्लस सी के जितने भी एग्जाम होंगे पीईटी के थ्रू होंगे। पीईटी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 21 जून को है, यानी कल तक है, आज तक है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। आप फॉर्म भर दो और तैयारी शुरू कर दो, यानी आपको एसएससी दरोगा में वैकेंसी आपके पास 5000 आ गई है। कम से कम 15 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हो। कितने लाख लोगों ने भाई? 15 लाख एक आंकड़ा दिया गया है कि 15 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। वैकेंसी नियर अबाउट 5000 के आसपास है। आप सोचो कि कंपटीशन कितना टफ है। ये पेपर आपको अक्टूबर में, संभावित डेट आई है कि अक्टूबर में हो जाएगी। नवंबर में आपका फिजिकल करा दिया जाएगा, यानी हद से हद 2022 के चुनाव के पहले इसकी वैकेंसी क्लियर कर दी जाएगी। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, पीईटी आपके सामने लगा हुआ है। और हम लोग की फीस कितनी है? मात्र 499 रुपये। यानी 499 रुपये में आपको घर बैठे पूरी की पूरी प्रैक्टिस मिल रही है। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरा बकायदा पूरा कंसेप्चुअल पढ़ाया जाएगा, बस इतना है कि आपको उतना दिया जाएगा कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत बड़ा अंतर होता है कि ऑनलाइन बच्चा पढ़ता नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस सेशन पे हम लोग काम करते हैं कि क्वेश्चनों के साथ कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, कि बच्चा क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट जब क्लियर करेगा तो उन टाइप के क्वेश्चनों करेगा तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये फीस 499 रुपये आपको कहाँ पे करना है, कैसे पे करना है, सारी बातें आपको बता दी गई है। आप जाके अध्ययन अकेडमी सर्च करोगे तो उसका नंबर मिल जाएगा, फोन करके बात कर सकते हो। कहाँ पेटीएम करना है, गूगल पे करना है, कैसे करना है, जो नया बच्चा जुड़ा हुआ है। और सभी बच्चों से अनुरोध है, सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को जोड़ो। ये परिवार है, परिवार को मजबूत बनाने का प्रयास करो। जब तक आप एक साथ हमारे साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी अगर यूनिटी नहीं बनी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप हमारी यूनिटी हो और आप एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करो। परिवार जितना भी बड़ा होगा उतना ही मजा हम लोग का आएगा, हम लोग संयुक्त परिवार वाले हैं। तो आ जाइए। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुद्दे थी, क्या क्या पढ़ना था। आज अपने चैप्टर को हम शुरू करते हैं, बोर्ड एंड स्ट्रीम को शुरू करते हैं। बोर्ड एंड स्ट्रीम का जो अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक है, इसमें जितने क्वेश्चन होंगे उस पर हम बात करेंगे, बहस करेंगे और इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे सारी बातें आपको बताई जाएगी। अदा कुछ क्वेश्चन आप भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम भी करेंगे। अरे कुछ क्वेश्चन आप भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम भी करेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न है हमारा, आज के सेशन का पहला प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है कि बताओ कि एक व्यक्ति ऊर्ध्व प्रवाह में, ध्यान देना एक शब्द ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब ये होता है मेरे भाई, ऊर्ध्व प्रवाह की मतलब ये होता है विपरीत, इसका मतलब होता है विपरीत। विपरीत का मतलब होता है धारा के विपरीत सामने। अनुप्रवाह का मतलब होता है दिशा में, धारा के दिशा में, यानी कह सकते हैं कि दिशा में। थोड़ा ध्यान देना, अनुप्रवाह और ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब ये होता है, ऊर्ध्वप्रवाह मतलब विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के दिशा में, धारा के ऊपर, धारा के नीचे। कई लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, अनुकूल प्रतिकूल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अनुप्रवाह में 9 किलोमीटर प्रति घंटा था, अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव की चाल
चार से थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है, पूरा टाइप नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान देना। मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये वाले जो मैटर में लिखा हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में पूरा पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस टाइपिंग में क्या है कि इस क्वेश्चन को पूरा टाइप नहीं किया गया। एक व्यक्ति ऊर्ध्व प्रवाह में 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। यहाँ पे होगा शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो शायद मैंने आपको बताया था और मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ फिर से, आज मैं आप लिखवा रहा हूँ नोट करके, फिर से आज मैं नोट लिखवा रहा हूँ। मैं लिखवा रहा हूँ धारा के दिशा में नाव की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत नाव की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा शांत जल में नाव की चाल जो होगी हमारी एक्स प्लस वाई बटे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। कल भी मैंने लिखवाया था। दूसरा ये धारा की चाल पूछ देगा कि धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, धारा की चाल क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई में टू एक किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। इसको याद रखना आप लोग। यानी मैंने आपसे क्या बोला कि जब ऐसे प्रश्न, इस लेवल के प्रश्न आपको बनाए जाएंगे, इस पैटर्न के प्रश्न बनाए जाएंगे, इस पैटर्न के प्रश्न को कल भी मैंने किया था और मैं नोट भी लिखवाया था, आज भी लिखवा दे रहा हूँ कि अगर धारा की दिशा में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल ऐड हो जाएगी, जब विपरीत चलेगी तो धारा की चाल माइनस हो जाती है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी। यहाँ से यही प्रश्न बना हुआ है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो हम कह सकते हैं शांत जल में नाव की चाल 9 प्लस कितना 15 डिवाइड बाय कितना होगा 2, यानी 24 बटे में कितना होगा, 24 बटे में 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला। ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा डी वाला हो जाएगा। किसी कोई डाउट है, आ जाओ अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोला है कि एक नाव स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, ऐसे पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे का बहाव है, वह नदी में कुछ दूरी के लिए बहाव की चलती है और वापस आ जाती है, नाव के चक्कर लगाने में औसत गति और स्थिर पानी में गति का अनुपात क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछा है कि स्थिर गति में, दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं हमारे। अब सोच लो यहाँ पे औसत पूछा हुआ है, औसत पूछा है कि नाव की चक्कर लगाने में औसत गति और स्थिर पानी में गति का अनुपात क्या होगा। स्थिर पानी में नाव की गति तो 20 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन औसत निकालना कब जानते हैं कि जब डिस्टेंस हमारा बराबर होता है। भाई एक नाव जो है यहाँ से निकली, अब ध्यान समझना, एक नाव जो है यहाँ से निकली और यहाँ गई, ए से निकली बी पे गई और फिर बी से निकली और कहाँ पे आ गई, ए पे आ गई, बी से निकली ए पे आ गई। वही कह रहा है कि एक नाव की स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, नदी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे का बहाव है, वह नदी में कुछ दूरी बहाव की ओर चलती है, यानी कुछ दूरी ए से बी की ओर चलती है, फिर वापस चली आती है। इसका मतलब डिस्टेंस हमारा बराबर होता है, जब डिस्टेंस हमारा बराबर होता है, एक फॉर्मूला हम 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2 का यूज कर लेते हैं, औसत गति के लिए आपको मैंने चाल समय दूरी में औसत चाल पढ़ाया था, ये हो जाएगा भाई
धारा की दिशा में जब चलती है, जब धारा की दिशा में चलेगी तो इन दोनों चालों को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 20 5 कितना होगा 25 हो जाएगा, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा 25, अब गुणे कितना होगा माइनस एक बार करेंगे तो 15 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना होगा 15 हो जाएगा, 25 15 40 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 25 गुना 50 गुणे 15, 50 गुणे 15 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 40, अगर हम 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 5 बटे 40 हो जाएगा, ये 5 के 15 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 150 बटे में 8 हो जाएगा, यानी 150 बटे में 8 75 बटे में 4 हो जाएगा, यानी इसका जो मान होगा ये हो जाएगा हमारा 75 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब औसत गति निकाल लिया मैंने और पूछा गया औसत गति और स्थिर पानी में गति का अनुपात, स्थिर पानी में गति कितनी है 20 है, तो हम कह सकते हैं 20 संबंध है 75 बटे में कितना हो जाएगा 75 बटे में कितना हो जाएगा 4, यानी 20 जो का 80 संबंध कितना हो जाएगा 75, यही बोला है क्या। नाव की चक्कर लगाने की औसत गति और स्थिर पानी का अनुपात क्या होगा, तो 16 संबंध 15 हो जाएगा, 16 संबंध 15 हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कह सकते हैं कि इसमें 15 संबंध 16 दिया है, इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा पूछा होता कि शांत गति में नाव की चाल और औसत गति का अनुपात तो 15 संबंध 16 होता, लेकिन पूछा है पहले औसत गति और ऐसे पानी में गति का अनुपात क्या है, तो 16 संबंध 15 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये आला बन जाएगा। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है एक नाव जो है ऊर्ध्व प्रवाह, बार बार बता रहा हूँ कि जो शब्द आते हैं ना इस बच्चा कंफ्यूज होता है, ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह की बात करेगा तो आप सीधे कहना कि भाई धारा के विपरीत दिशा की बात कर रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह 4.2 किलोमीटर की दूरी है 14 मिनट में तय कर सकता है, अच्छी बात है। यदि शांत गति में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः अनुपात 7 संबंध 1 हो तो 17.6 किलोमीटर अनुप्रवाह तय करने में, अनुप्रवाह मतलब दिशा में तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, सिंपल सी बात समझिएगा इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। हमने कहा कि पहली बात तो हम ये समझ लें कि भाई 14 मिनट में तय करता है, तो नाव की चाल में धारा की चाल क्या होगी, नाव की चाल ए मान लेते हैं, धारा की चाल बी मान लेते हैं, ए माइनस बी बराबर दूरी 4.2 है और ए मिनट में दिया है तो 14 बटे में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा घंटा में हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा, इसको अगर पॉइंट हटाते हैं तो 42 गुणे कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 140 कट जाएगा 14 42 तीन छके कितना 18, यानी 18 किलोमीटर है प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने कहा कि 7 संबंध 1 का अनुपात दे रहा है, अगर ऊर्ध्व प्रवाह चल रहा है तो माइनस करेंगे क्योंकि माइनस शब्द लगा हुआ है, अनुप्रवाह चलते तो प्लस करते, तो माइनस 7 में से क्या है कितना होगा 6 यूनिट की वैल्यू हमारी 18, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3, तो हमने कहा कि ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7 × 3 बराबर कितना 7 × 3 बराबर 21, यानी ए नाव की चाल है और बी की वैल्यू हो जाएगी 1 × 3 बराबर कितना 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे नाव की चाल 21 आ गई है और धारा की चाल 3 आ गई है, अब पूछा है कि 17.6 किलोमीटर अनुप्रवाह तय करने में, तो हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि दूरी है 17.6 और नाव की चाल धारा की चाल दोनों जोड़ेंगे अनुप्रवाह 21 और 3 कितना होगा 24, कितना हो जाएगा 24, और सब मिनट में पूछा है तो हम लोग किससे गुणा कर देंगे 7 12 × 24 12 × 5 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर 5 से काटते हैं गलत हो रहा है क्या,
घंटा है घंटा में दोनों लग दो से काटते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 8 × 16 8.8 हो जाएगा, 8.40 का 0 8.40 का 44 यानी कितना होगा 44 मिनट, यानी आपका कितना आ जाएगा हमारा 44 मिनट। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा, फिर से क्वेश्चन को हम समझाएंगे आपको, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, प्रश्न को थोड़ा सा क्या किया है इसने थोड़ा सा घुमाया हुआ है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अपना बन जाएगा और एक तरह के प्रश्न को खोज खोज के आप कर करेंगे। यहाँ पे बोला है कि भाई सबसे बड़ी बात है कि धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, अनुप्रवाह चल रहा है, उत्तर प्रवाह चल रहा है, धारा के कह रहा है कि ऊर्ध्व प्रवाह चल रहा है 4.2 किलोमीटर कितने मिनट में तय करता है 14 मिनट में, ऊर्ध्व प्रवाह चल रहा है मतलब विपरीत चल रहा है, तो नाव की चाल में धारा की चाल, तो नाव की चाल को ए मान लेते हैं, धारा की चाल को बी मान लेते हैं, ए माइनस बी बराबर हो जाएगी 4.2 डिवाइड बाई 14 है, 14 को डिवाइड करें किससे 60 से, ये हो जाएगा हमारा 42, अगर पॉइंट हटाते हैं 42 गुणे 60 बटे में हो जाएगा 140 कट जाएगा 14 × 42 = 18 यानी आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल में धारक की चाल आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनका अनुपात दे रखा है 7:1 माइनस है तो -7 से कितना हो जाएगा 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 18 से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितना 3, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 7 × 3 = 21 7 × 3 = 21 और बी की वैल्यू हो जाएगी 1 × 3 = कितना हो जाएगा 3। कभी कभी यही पूछ देता है लेकिन आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया है, हम कह सकते हैं कि 17.6 किलोमीटर अनुप्रवाह तय करने में कितना समय लेगा, अनुप्रवाह तय करेगा तो नाव की चाल धारा की चाल दोनों ऐड होगी तो कितना हो जाएगा 17.6 / 24 और सब मिनट में पूछा है तो हमें कितना होगा 60 12 × 24 12×5=60 हो जाएगा, ये 8.8 हो जाएगा यानी हो जाएगा आपका 44 मिनट, कितना हो जाएगा 44 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा बी वाला, यही आपको मैटर। चलिए आज अगले प्रश्न, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में जो है नाव की गति है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि प्रवाह दिशा में उसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विपरीत हो तो प्रवाह के विपरीत उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो। अब सोचिए, कह रहा है कि बताओ कि स्थिर जल में नाव की गति जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में प्रवाह की दिशा में उसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने कहा कि ये जो प्रवाह की दिशा की बात कर रहा है, प्रवाह की दिशा की बात कर रहा है, तो प्रवाह की दिशा में क्या होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल, हम कह सकते हैं नाव की चाल हम लिख दे रहे हैं नाव की चाल प्लस धारा की चाल प्लस धारा की चाल हो जाती है। अगर नाव की चाल को ए मान लेते हैं धारा की चाल को बी मान लेते हैं तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने कहा कि नाव की चाल को ए मान लेते हैं धारा की चाल को बी मान लेते हैं, नाव की चाल को ए मान लेते हैं धारा की चाल को बी मान लेते हैं, 1 + b = दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हुआ है, तो बी बराबर जो हो जाएगी हमारी धारा की चाल दे रखा है बी बराबर हो जाएगी हमारी 24 − 22 = कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी अगर आपकी नाव की गति 22 है तो धारा की गति 2 होगी, तभी धारा की दिशा में जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब क्या पूछा है कि धारा के विपरीत गति क्या होगी, धारा के विपरीत मतलब a माइनस b, a की वैल्यू आपकी कितनी है रखी हुई है, a की वैल्यू आपकी 22 रखी हुई है, a की वैल्यू 22 तो 22 − 2 = कितना होगा 22 − 2 = हो जाएगा 20, यानी धारा की विपरीत गति हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला वाला, यानी किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है अनुपात में दे रखा हुआ है, वो बोला है कि शांत जल में नाव के शांत जल में चाल धारा के चाल से 500% अधिक है, नाव की अनुप्रवाह का ऊर्ध्वप्रवाह चालों के बीच का अनुपात कितना होगा, यही हमको निकालना है। तो मैं बताऊं कि बोला है कि नाव के शांत जल में चाल धारा के चाल से 500% अधिक है, हमने कहा तो शांत जल में नाव की चाल, हमने कहा कि अगर धारा की चाल को 100 मान लेते हैं, धारा की चाल को कितना मान लेते हैं, धारा को 100 मान लेते हैं तो 500% अधिक है, ये 500% अधिक है, 100 का 500% 500 हो जाएगा,
इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 600 इनाव खिचाल आ जाएगा। किसके आ जाएगी? इनाव खिचाल। अनुपात देखा जाएगा तो एक संबंधित छह का हो जाएगा, अनुपात देखा जाएगा एक संबंधित छह का हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम देखें कि नाव की चाल हो जाएगी, और नाव की चाल को ए मानते हैं तो छह हो जाएगा, धारा की चाल को बी मानते हैं तो एक हो जाएगा, छह संबंध एक अनुपात हो जाएगा। तो बोला है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब दिशा में, उर्ध प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में, दिशा में चलेंगे तो ए प्लस बी जाएगा और ए जाएगा ए माइनस बी, और दोनों को एक बार जोड़ो तो एक सात हो जाएगा, सात संबंध एक कितना हो जाएगा, एक पांच हो जाएगा, अनुपात सात संबंध एक कितने का आएगा, पांच का आएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा? बी वाला, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए अगला प्रश्न आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। अगला प्रश्न आपके लिए, एक नाव धारा के साथ उतनी ही धारा के विपरीत नकुल, एक नाव जो है धारा के साथ तथा उतनी ही धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। कुल 8 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में जाती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल क्या होगी? पूछा नाव की चाल क्या होगी? धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, बस अच्छा प्रश्न है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा फिगर समझा दूं। मान लो ये जगह आपका ए है और ये जगह आपका बी है, ये जगह आपका बी है, धारा की गति इधर ये 4 किलोमीटर जाती है और फिर 4 किलोमीटर वापस आती है धारा के ऊपर, धारा इधर बह रही है, धारा इधर बह रही है, धारा इधर बह रही है, धारा किधर बह रही है? ए से बी की तरफ बह रही है। 4 किलोमीटर जाती है और 4 किलोमीटर वापस आती है, तो कुल मिला के 8 किलोमीटर की दूरी। जब धारा की दिशा में जाएगी, जब धारा की दिशा में जाएगी वो, तो क्या होगा मेरे भाई? जब धारा की दिशा में जाएगी तो चालें जुड़ेंगी, धारा के विपरीत आएगी चालें घटेंगी। एक काम करना है, हमने कहा उसने 4 किलोमीटर गया, वो 4 किलोमीटर गया, धारा की चाल x मान लेते हैं और नाव की चाल x मान लेते हैं, धारा की चाल दे गई है। अब प्लस फिर 4 किलोमीटर आया, नाव की चाल x है माइनस 1 बराबर, कुल कितना समय लगा? 3 घंटे का समय उसको लग गया। बस इसी पे हल कर लेना है, बाकी खत्म कर लेना है। हमने कहा कि एलसीएम लेंगे तो x + 1 x - 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा और x - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x - 1 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, आप प्लस 4x + 4 हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इसका मतलब 4 से 4 कट गया बराबर, तो 3 रहेगा ही। हमने कहा ये हो जाएगा 8x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, ये हो जाएगा मेरे भाई। समीकरण जब बनाएंगे हम लोग, जब ये इस क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0, इतना हो जाएगा हमारा समीकरण। ये क्वेश्चन बनेगा, बना के देख लेना, इतना ही बनेगा। अब इस क्वेश्चन को तोड़ना है तो 3 से 3 गुणा करेंगे 9, तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो जाएगा x, आप माइनस कितना होगा 3 बराबर 0। इसको एक ब्रैकेट में भर लो, इसको एक ब्रैकेट में भर लो, तो हम कह सकते हैं यहाँ 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे ये कॉमन ले लीजिए प्लस 1 तो ये बचेगा, x माइनस कितना बचेगा 3 बचेगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 3। तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे और x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 3, यानी पॉजिटिव वैल्यू में ऐसा लेते हैं तो कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर, ऑप्शन हो जाएगा डी। अब कहोगे सर बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ऐसा समीकरण दिया है ये तो बड़ा तो होगा ही मेरे दोस्त, ऐसा समीकरण दिया है ये तो बड़ा तो होगा ही होगा। उसको सॉल्व करना हो तो आप एक काम कर सकते हो, कुल 8 किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है, 1/4 है, तो कोई शॉर्टकट तरीका दिख नहीं रहा, ऐसे
सकता है इस प्रश्न को। आ जाओ अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि ये बताओ कि मेरे भाई साहब सभी रहते हैं, सब शेयर करते रहो, सबको देख रहे हो, सबको शेयर करो, जितने बच्चे देख रहे हो, देख रहे हैं बच्चे बहुत कम हो गए, तो शेयर करते रहो, लोगों को छोड़ते रहो, ऐसे हताश होकर ना बैठो, हमने आने वाले बहुत एग्जाम है उसको क्रैक करना हम लोगों। बोला क्या है? बोला ये है कि बता दो कि एक नाव धारा की दिशा में 14.4 किलोमीटर की दूरी 32 मिनट में तय करती है। बहुत अच्छी बात। तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा की प्रतिकूल दिशा में 84 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी, वो यही कह रहा है। तो आज हम एक एक प्रश्न पे, एक एक स्टेटमेंट पे आते हैं। हम लोग कह रहा है कि धारा की दिशा में, दिशा की बात करता है, इसका मतलब ए प्लस बी की बात करता है। ध्यान देना, ए प्लस बी की, नाव की चाल के मान लेते हैं धारा, ए प्लस बी की बात करता है। 14.4 किलोमीटर की दूरी है, 32 बटे में 60 हो जाएगा, 60 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट हटा दें 344 पूरे 60 बटे में 320 16 × 32 = 144 हो जाएगा, दो तीन छः हो जाएगा, 9 × 27 ये हो जाएगा ना, 9 × 27 ये हो जाएगा 27 किलोमीटर। ए प्लस बी बराबर कह रहा है कि धारा के चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए की वैल्यू नाव के चाल कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 3 बराबर कितना होगा, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारक नाव की चाल हो गई। कह रहा है कि प्रतिकूल, ध्यान देना, प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, प्रतिकूल जाएगा तो 84 बटे में प्रतिकूल जाएगा, नाव की चाल धारा की चाल 24 माइनस 3 बराबर कितना होगी, 21 होगा, कितना हो जाएगा 84, यानी 4 घंटे में क्या करेगी, तय कर देगी, यानी आसान हो जाएगा हमारा शेयर। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन घुमा के जाकर दे रहा है, आप बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगे आपके लिए। अच्छा अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाव धारा के सामने गति करते हुए 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नाव दूरी तय करती है, थोड़ा सा है कि आधा टाइप एक अक्षर छूट गया इसमें, उसका मैं बोल दे रहा हूँ लिख लेना आपको। एक नाव धारा के सामने 2 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, 2 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी ए प्लस बी बराबर जो है 30 बटे में कितना, 2 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है धारा के सामने उसकी चाल है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला है कि दूरी तय करती है, यहाँ पे तय करने में किलोमीटर दूरी तय करती है, तय करती है यहाँ पे करती है, और विपरीत तय करने में नाव को 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे विपरीत तय करने में। इसका मतलब ये कह रहा है कि विपरीत तय करने में से यहाँ बस मिस्टेक है, क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, इसका मतलब कहता है ए माइनस बी, जब विपरीत तय करती है तो 30/6 यानी इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करिए। इतना बोला है कि बता दो कि धारा की गति नाव गति से आधी है, वो स्टेटमेंट दिया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस स्टेटमेंट को हमको प्रूव करना है। धारा गति नाव गति से आधी है तो नाव गति क्या होगी, तो हम आप बात करते हैं कि नाव की गति क्या होती है, भाई भी लिखवाया था मैंने, पहले नोट लिखवाया था, तो हम कह सकते हैं नाव गति के बारे में चर्चा करेंगे, तो x प्लस वाई बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 15 है, 15 में 5 जोड़ेंगे बटे में कितना हो जाएगा, 2, यानी हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा, 2, यानी हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, यह नाव गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही वाला। धारा गति निकालेंगे तो आप कहेंगे 15 - 5/2, यानी कहेंगे 10/2 बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी आधा प्रूफ कर रहा है कि आधा है, ये 5 है फिर 10 है, 10 है तो क्या है 5 है, आधा प्रूफ कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ अगला प्रश्न आपके लिए है, कह रहे हैं व्यक्ति 60 किलोमीटर दूरी तक नाव चलाकर जाता है, 13 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाता है। बहुत अच्छी बात है, 13 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाता है, वह देखता है कि वह प्रवाह के साथ उतने समय में 5 किलोमीटर जा सकता है जितने समय में वह 4 किलोमीटर जा सकता था, जितने समय 4 किलोमीटर जा सकता है, प्रवाह की गति ज्ञात करें।
प्रवाह की गति ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे, ध्यान देना। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी नाव चलाकर जाता है, 13 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाता है, जाता है 13 घंटे 30 मिनट वापस आता है, 60 की दूरी नाव चल जाता है और 13 घंटे 30 मिनट वापस आता है, तो देखता है कि वह प्रवाह के साथ उतने समय में 5 किलोमीटर जा सकता है जितने समय में वह गति, और वह प्रतिप्रवाह में 4 किलोमीटर जा सकता है। प्रवाह की गति ज्ञात करें, प्रवाह की गति ज्ञात करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी बनाया हुआ है, यहाँ पे अगर थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करें हम लोग, हमने कहा कि हो जाएगा हमारा कितना 60 किलोमीटर दूरी मानते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5x, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, मैं अलग अलग इसको लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा कितना 60 बटे में 5x प्लस 60 बटे में 4x बराबर 13 घंटे 30 मिनट को लिख सकते हैं हम लोग, 13 घंटे 30 मिनट लिख सकते हैं, 13 से 1 बटा 2 13 से 24 27 बटे में 2 इसमें 27 बटे में 2 लिख सकते हैं, 27 बटे में कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, अगर यहाँ 60 कॉमन ले लिया जाए, 60 कॉमन ले लिया जाए तो 60 बटे में x, यहाँ x कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा 4 प्लस 5 बटे में 500 का 20 बराबर हो जाएगा 27 बटे में कितना होगा, हम डायरेक्टली कॉमन ले रहे हैं इसलिए घबराइएगा मत, 9 × 27 हो जाएगा, 9 × 27 ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, 5 समान है तो ये हो जाएगा 5 × 2 बराबर कितना, 5 × 2 बराबर हो जाएगा 10 और b बराबर हो जाएगा 4 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 2 बराबर हो जाएगा 8। आप बोला उतने समय में कह रहे हैं कि उतने समय में वह कह सकते हैं प्रवाह की गति ज्ञात करें, प्रवाह की गति ज्ञात करें, लेकिन धारा की गति ज्ञात करना है तो धारा गति कितनी हो जाएगी भाई, आपको बताया है मैंने x माइनस वाई बटे में 2 यानी हो जाएगा 10 माइनस 8 बटे में हो जाएगा 2 यानी 2 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, क्वेश्चन लेंथी टाइप में था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए अगला प्रश्न जो है ये आपके लिए है, आज का लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न आप बनाओगे और कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। बोला है कि नाव ए की चाल नाव के बी की चाल की अपेक्षा 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम, नाव को x मान लेना, धारा को x माइनस 2 मान लेना, नाव ए द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह में तय करने में उसी दूरी को नाव बी द्वारा तय करने में लगने समय की अपेक्षा 30 मिनट अधिक लगते हैं, यदि धारा का वेग नाव ए के वेग का 1/3 है तो नाव बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, तो यहाँ पे नाव ए की चाल x मानोगे, नाव बी की चाल x माइनस 2 मानोगे और एक समीकरण बना के इस क्वेश्चन को हल कर ले जाओगे। ये क्वेश्चन आपका SW है यानी होमवर्क है और हर बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, हम हर बच्चे का जवाब देते हैं, कुछ बच्चियाँ हैं जो आंसर करती हैं मुझे अच्छा लगता है, हर बच्चे का आंसर देखते हैं, कमेंट कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कमेंट कर रहा है, सारी बातें देखते हैं। बस आप अपने मर्यादा को मत भूलिएगा, अपने पढ़ाई को मत भूलिएगा और क्वेश्चन अगर एक दे रहे हैं आपको जिस क्वेश्चन को अगर पर डे आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन का मतलब 30 दिन में 30 क्वेश्चन देंगे, 30 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया आपका, ऐसे चलता रहेगा तो बहुत से क्वेश्चन तैयार होंगे। अगर 30 क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन पूछ दिया, सेम टू सेम लैंग्वेज से सेम क्वेश्चन पूछ दिया अगर लगाया हो तो आप धन्य हो जाओगे, पाव गुरु जी ने उनको पढ़ाया हुआ है, 2 ही क्वेश्चन पूछ दिया अगर उसमें से तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूछो कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको होमवर्क बनाना। चलो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर कमेंट करते रहना आप लोग और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।